हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि हेडलाइन आप पढ़ चुके होंगे, आज का वीडियो छतरपुर टेंपल जो कि दिल्ली में है इसके बारे में होने वाला है। और ये मंदिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्पेशल है और काफ़ी भव्य है, काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहला टिप्स जो आपको मैं देना चाह रहा हूँ वो है, जब आप यहाँ जाएँ आराम से टाइम निकाल कर जाएँ, क्योंकि देखने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये टेंपल बहुत बड़ा है, रोड के इस साइड और रोड के दूसरी साइड दोनों तरफ टेंपल हैं और काफ़ी बड़ी जगह में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर है। सबसे बड़ी बात, बहुत ही सुंदर है। तो जब आप जाएं, आराम से टाइम निकाल के जाएं। छतरपुर का टेंपल दक्षिण दिल्ली में आता है और इसकी स्थापना बाबा नागपाल ने 1974 में करवाया। और इसके लिए बहुत अच्छी कहानी इससे रिलेटेड है, इस टेंपल से, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह से है कि बहुत साल पहले एक ऋषि थे, उन्होंने दुर्गा देवी की कठोर तपस्या की और ऋषि का नाम था कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि बहुत कठोर तपस्या देखकर दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, उनके सामने आई। और जब दुर्गा देवी ने कात्यायन ऋषि को वर मांगने के लिए बोला, तो उन्होंने, ऋषि ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप एक पुत्री बनकर मेरे घर में आए, जन्म लें और माता उनके घर में पुत्री बन के आई। इसीलिए इस मंदिर को कात्यायनी देवी का मंदिर बोला जाता है और वहीं से ये मंदिर देवी के मंदिर के नाम से, कात्यायनी या दुर्गा देवी के नाम से फेमस हो गया। और जब नवरात्रि होती है उस मौके पर इस मंदिर की बात ही अलग है। और दूसरी खास बात इस मंदिर की है कि नवरात्रि में ये मंदिर 2400 घंटे खुला रहता है। तो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं अभी, ये है शिव गौरी नागेश्वर मंदिर और ये रोड की दूसरी साइड का मंदिर है, क्योंकि 50 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा प्रमाइसेस, तो काफ़ी बड़ा है और घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी माताओं के, जो भी माताओं के सब रूप हैं उनके मूर्तियाँ और उनको स्थापित किया गया है। यहाँ पे माता के जो श्रृंगार होता है उसके लिए जो भी फूल मालाएं, जो भी सामग्री आती है वो साउथ से आती है और फ्लाइट के ज़रिए आती है। यही इस मंदिर की खासियत है कि हर दिन फ्लाइट से माता की सामग्री साउथ से लाई जाती है, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अंदर से इसकी साफ़ सफाई, रख रखाव नॉर्मल हिंदू जो टेंपल है उनसे तो काफ़ी अच्छा है। और फर्श देख लो, चाहे मूर्तियां देख लो, ये आप मूर्तियां देख रहे हैं जो माताओं के अलग अलग रूप हैं, उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि छतरपुर का जो मंदिर है ये कुतुब मीनार से मात्र 4 किलोमीटर ही दूर है। तो अगर आप कुतुब मीनार जा रहे हैं, जो कि आप ज़रूर जाएंगे क्योंकि फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो छतरपुर टेंपल भी कवर कर सकते हैं। और अगर छतरपुर मंदिर जा रहे हैं तो कुतुब मीनार भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 मंदिर के अलावा एक हनुमान जी का, जो मैं दिखा रहा हूँ अभी,
ये मूर्ति आपने बहुत सारी मूवियों में जरूर देखी होगी, जब भी दिल्ली का सीन आता है ये मूर्ति जरूर आती है। लेकिन फॉर सम रीजन ये मंदिर या आप बोल सकते हैं पार्क है, ये क्लोज था और अलाउ नहीं था यहाँ जाना। अगर आपने ये अंदर से देखा है तो कमेंट्स में मुझे बताइए क्या नाम है इस पार्क का और कैसा है अंदर से। दूसरी बात, जो बाबा संत नागपाल थे उनकी काफ़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज यहाँ पे पास में है, अगर आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन, बाय।